हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन। तो इस आज इस वीडियो पे मैं आप सभी को हैंडीपिक एप्लीकेशन का जो उड्डल प्रोसेस है वो आज मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि कैसे आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते हो और हैंडी टोकन अर्न कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और जिसने देख लिया वो सिंपली बहुत सारा अर्निंग कर लिया होगा। अगर आपके यहाँ पे उड्डल करना है तो कैसे उड्डल करना है वीडियो पे एंड तक बने रहना, मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे उड्डल करना है, कैसे बैंक अकाउंट में रिसीव करना है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहना। तो गाइस देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, बहुत ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह का यूनिक एंड लूट वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं आप सभी के फायदे के लिए। तो फटाक से लाल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल आइकन शो हो रहा है इसको ऑल प्रेस करके रख लो, तो जब भी नया वीडियो अपलोड करके नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत लूट लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता जाएगा वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो कैसे आप लोग लोग कब तो कब तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया यार, बहुत ही खतरनाक वाला मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह का यूनिक एंड लूट वीडियो का अपडेट होता है या फिर कोई भी मोड एप्लीकेशन होता है, रेफर स्क्रिप्ट होता है, कम रुपये में कोई भी पोर्टेड मिलता है, रिचार्ज पर चल रहा है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ जो ऑनलाइन टेलीग्राम यूजर लूट पाता है। तो फटाक से जगह ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन होने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना, टी स्पाइडर आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस देखो, यहाँ पे हैंडी टोकन के जो यहाँ पे पेमेंट प्रूफ है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया था, सबसे पहले जो टेलीग्राम यूजर ने देख लिया होगा, ठीक है। तो सिंपली देखो गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ हैंडी टोकन को कैसे रिसीव करना है अपने बैंक अकाउंट में। तो सिंपली इस हैंडी टोकन को रिसीव करने के लिए दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है, एक है हॉटबिट और एक है कॉइन स्विच, ठीक है। कॉइन स्विच आई होप बहुत सारे यूजर को पता है, जिसको नहीं पता वो वीडियो पे बने रहना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हॉटबिट एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे टच करने के बाद प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल कर लेने के बाद जब पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन अलाउ अलाउ कर देना, फिर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर में एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना, फिर क्लिक टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना, इसके ऊपर टैप करते आपको जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली रजिस्टर नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फोन रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, तो सिंपली आपको 86 रहेगा, इसको प्लस 91 कर देना इंडिया सिलेक्ट करके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना, तो सिंपली इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, पासवर्ड डालना। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपको 8 डिजिट का नंबर होना चाहिए मिनिमम, 1 2 3 4 करके ऐसे करके आपको 8 डिजिट का नंबर होना चाहिए। फिर आपको एक यहाँ पे ए से जेड तक कोई भी एक लेटर होना चाहिए। फिर आपको एक यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, कुछ भी दे सकते हो। देने के बाद आपको एक कन्फर्म पासवर्ड देके, इन्विटेशन कोड देके आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है आपको जो होता है कैप्चर। फिर आपको आई एग्री करना है आपका उसका टर्म एंड कंडीशन, फिर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका सक्सेसफुल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। बन जाने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे बन जाने के बाद आपको जो है फंड के ऑप्शन पर आना है। फंड के ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट का, ठीक है। तो सिंपली डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है हैंडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैंडी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी एड्रेस का, ठीक है। डिपॉजिट का ऑप्शन पे इसका कॉपी एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस एड्रेस को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको हैंडी पिक एप्लीकेशन पे आ जाना है, ठीक है, विड्रॉल करने के लिए। तो गाइस देखो, इसके प्रोफाइल का ऑप्शन पे आना है, फिर आपको जो विड्रॉल करने के लिए सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना। सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपको कितना एड्रेस सेंड करना है, पहले हैंडी टोकन कितना सेंड करना है, मिनिमम तो 2000 है। फिर मैक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना, जो कॉपी किए थे उसको सिंपली इधर पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना, आपको विड्रॉल जो है सक्सेसफुल लग जाएगा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको बैंक अकाउंट में लेना है, ठीक है। बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको जो है कुछ इस तरह से प्रोसेस अप्लाई करना होगा। आपको जो है यहाँ पे हॉटबिट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेड का, तो सिंपली ट्रेड का ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली थ्री डॉट के ऊपर टैप करना है, थ्री डॉट के ऊपर टैप यहाँ पे टैप करते एक ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल का, ठीक है। तो सिंपली ग्लोबल के ऊपर टैप करना है, ग्लोबल के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है हैंडी। तो सिंपली मैं यहाँ पे हैंडी सर्च कर तो यहाँ पे हैंडी सर्च कर लेना, हैंडी सर्च करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन पे क्लिक करना, सेल का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पे 100% के ऊपर टैप करना है, ठीक है। 100% के ऊपर टैप करते आपके पास जितना सारा टोकन है वो इधर आ जाएगा, और आपको जो है यहाँ पे सारा टोकन सेल कर देना, ठीक है। सेल हैंडी के ऊपर टैप करके वो सारा टोकन सेल कर देना, तो आपको जितना सारा टोकन होगा वो USDT पे आ जाएगा, ठीक है। USDT से कैसे लेना है आपको अदर्स कॉइन पे, तो सिंपली मैं बता देता हूँ। अगर आप USDT से आप यहाँ पे बिटकॉइन पे भी ले सकते हो, ETH पे भी ले सकते हो, TRX पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि BTC पे ले लेना,
तो BTC पे लेने के लिए आपको सिंपली आप थ्री डॉट के ऊपर टैप करना है। थ्री डॉट के ऊपर टैप करते एक ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल का, तो सिंपली आपको BTC सर्च कर लेना। तो सिंपली BTC सर्च करते एक ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल सिलेक्ट का, तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना तो BTC आ जाएगा पहले ही। तो इसके ऊपर एक बार टैप करना, फिर आपको यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली बाय के ऊपर सिलेक्ट करना। फिर आपको 100% के ऊपर टैप कर देना, ठीक है। 100% के ऊपर टैप करते जितना सारा टोकन आपका USDT टोकन होगा वो बिटकॉइन के अंदर आ जाएगा। फिर आपको बाय BTC के ऊपर टैप करती है, आपको जितना सारा USDT टोकन है वो बिटकॉइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको विड्रॉल कर सकते हो, विड्रॉल के लिए इलिजिबल हो गए हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये हो गया आपका काम, जितना सारा टोकन होगा वो बिटकॉइन में आ जाएगा। तो सिंपली और एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे पैसे को विड्रॉल करने के लिए, जो इसका नाम है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। इस पर KYC करना होता है, यहाँ पे पैन कार्ड से, पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपको KYC करना पड़ेगा। तो सिंपली KYC सक्सेसफुल कर लेना, जिसको नहीं पता वो यूट्यूब पे देख लेना, सर्च करके आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कैसे KYC करता है। तो सिंपली अकाउंट बना लेने के बाद जब पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो वैसे यहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ इस तरह से होता है, आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो गाइस सिंपली कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले बिटकॉइन का यहाँ पे करेंसी मिलेगा, तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना। इसके ऊपर टैप करते ही आपको जो है गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन रहेगा स्कैन का, तो सिंपली स्कैन के ऊपर एक बार टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करते ही आपको जो है एड्रेस मिल जाएगा बिटकॉइन का, कॉइन स्विच का, तो सिंपली इसको एक बार कॉपी कर लेना, ठीक है। आपका खुद का कुछ एड्रेस रहेगा, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद विड्रॉल करने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फंड के ऑप्शन पे विड्रॉल का, ठीक है। तो सिंपली विड्रॉल के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है BTC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BTC सर्च कर लेते आ गया, तो BTC के ऊपर टैप करते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस देख सकते हो 0.0025 BTC है, ठीक है। तो सिंपली इसको विड्रॉल करने के लिए करना क्या होगा, पहले आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, कितना आप विड्रॉल करना चाहते हो, ठीक है, वो डालना है। फिर आपको दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, तो सिंपली प्लस का आइकॉन पर टैप करना है। तो प्लस का अकाउंट पर टैप करने के बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। पहले आपको बिटकॉइन एड्रेस को यहाँ पे सेव करना होगा, ठीक है। पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, रिमार्क में कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे डन लिख देता हूँ, फिर कंफर्म के ऊपर टैप कर देना, ठीक है। आपका ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए आपको कुछ भी बोलेगा, टाइप कर सकते हो या फिर मैं 100% कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट कॉइन एड्रेस, ठीक है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर टैप करके मैं एड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मेरा एड्रेस है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको जो कुछ अकाउंट क्या बोल रहे हैं भाई, तो गाइस देख लेते हो एक बार। तो गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन पे बाई करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉब्लम एक फेस करना ही पड़ेगा, कि इसका जो सर्विस चार्ज है मतलब फी होता है, विड्रॉल फी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे विड्रॉल फी है 0.001 BTC, जो बहुत ही हाई है, और इसका मिनिमम विड्रॉल है 0.002 BTC, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप TRX बाई कर लेना, ठीक है। TRX का बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे TRX का जो है मैं बताया था, यहाँ पे TRX अगर आप बाई करते हो सेम प्रोसेस से मैं बिटकॉइन जैसे बाई किया वैसे ही आपको TRX बाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे TRX सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे TRX का जो यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल है वो है 100 TRX, और इसका जो फीस करता है वो ओनली 1 TRX का फीस करता है, तो बहुत ही फ़ायदा है यार। तो आप TRX एक बार बाई कर लेना, ठीक है। बट अभी क्या है कि कॉइन स्विच का जो TRX है वो अभी बंद है, मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह वो हो चल रहा है वो अभी बंद है। जब भी इसका अवेलेबल हो जाता है तो आप यहाँ पे TRX बाई करके रख लेना। अगर आपका हैंडी टोकन यहाँ पे सेल नहीं करना चाहते हो तो आप होल्ड करके रख सकते हो, आपके हैंडी टोकन का प्राइस बहुत ज़्यादा आप जाने वाला है, ठीक है। तो आप चाहो तो हैंडी टोकन को यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। और आगे अभी यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कॉइन स्विच पे TRX का जो है मतलब ट्रेडिंग अभी बंद हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो गाइस यहाँ पे तो देख सकते हो इसका जो है ट्रॉन का डिपॉजिट है करंटली डिजेबल, अभी डिजेबल करके रखा है, बट कोई नहीं, जब ये सक्सेसफुल हो जाता है या फिर अगर आप BNB पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि TRX पे लेना, फीस जो होता है बहुत कम लेता है, ठीक है। और इसका पेमेंट जो गारंटेड मिलेगा मैं आपको बता दिया हूँ, और पिछले वीडियो जो अभी तक नहीं देखा वो देख लो, और टेलीग्राम चैनल को मास्टर माइंड ज्वाइन कर लो हर तरह के लूट पाने के लिए। वीडियो का अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।